आप अपने टीवी स्क्रीन पर हिलोरे मारते पानी देख रहे हैं। अनुपम छटा, मनोरम दृश्य। हम इस समय मौजूद हैं फूड क्रॉप इंस्टीट्यूट रीवा में। आइए आपको लेकर चलते हैं परिसर के अंदर और दिखाते हैं आज वहां क्या कुछ बन रहा है। यहां पर बच्चों को खाने के तरह तरह के व्यंजन बनाना सिखाया जाता है। आज हम भी जानेंगे यहाँ पर आज क्या कुछ खास बन रहा है। हम चल रहे हैं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के अंदर की ओर। हम आपको सीधे यहाँ पर किचन में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ पर क्या कुछ बन रहा है। एक शानदार लॉबी, यहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। सर नमस्कार। मैं कोविड का दौर है, फिर भी हम लोग सैनिटाइज होके आए हैं, निश्चित रहिए आप। आइए आप सैनिटाइज। पूरी कोविड 19 कंडीशंस में हम इसके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी हम सैनिटाइजेशन और ये करते हैं। इसके साथ आइए और हम आगे सीधे हम लोग किचन की और रुख करते हैं और जानते हैं वहाँ पर क्या कुछ खास बन रहा है। ये बहुत प्रेस्टीजियस लॉबी है, आइए, आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट में। हम सीधे आपको अभी मेरा जो किचन है, अब मेरे किचन की जो खासियत है वो आप देखकर ही समझ जाएंगे कि हम पढ़ाई के साथ साथ जो बघेलखंड की जो लोकल कुजीन है, इस कुजीन को सिलेबस में मिलाते हुए वो बनाते हैं। निश्चित रूप से मैं आज आपको बात की और ख़ास तौर से बघेलखंड का नाम लिया, तो मैं आपसे चाहूँगा, आपके विभाग से चाहूँगा, बघेलखंड की कोई एक आज डिश बनाई जाए जिसका हम लोग यहाँ पर आइए टेस्ट भी करेंगे और रीवा के तमाम दर्शकों को ये बताएंगे ये डिश किस तरीके से बनाई जाती है। आइए चलते हैं सीधे अंदर। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये मेरा बेसिक ट्रेनिंग किचन है। अब बेसिक ट्रेनिंग किचन का मतलब है कि हर एक प्रशिक्षणार्थी, हर एक विद्यार्थी अपना एक एक इंडिविजुअल प्रिपरेशन यहाँ बनाएगा। उस इंडिविजुअल प्रिपरेशन के साथ इसकी जो रेंजेस हैं उसको हम एक एक को अपना अपना मेन्यू देंगे और उसी मेन्यू के साथ वो बनाते हुए रेस्टोरेंट में हम उसकी सर्विस कराएंगे। चलिए, देरी नहीं करते, बिल्कुल देरी नहीं करते। यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियाँ दिख रही उससे देरी का कोई भी मतलब नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ पर भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर जसवाल है सर। सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सागर जी, यहाँ पर आप आज हम लोग को, हमारे दर्शकों को क्या बनाना सिखाएंगे? आज हम बनाना सिखाएंगे जो कि हमारे बघेलखंड का फेमस स्वीट डिश में ये आता है, रिखमच। हम आज आपको रिखमच बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए हमें जिन जिन जरूरत जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम पहले से रेडी करके रखे हैं। हमने आधा कटोरी दाल भिगाई थी, जो भीगने के बाद पूरा एक कटोरी हो गया है। ये मूंग की दाल हमने अच्छे से वॉश करके धो लिया था। वो चाहें तो आप घी से भी तल सकते हैं। और मावा लिया है हमने, शुगर लिया है, इलायची को हमने क्रश करके अच्छे से रख लिया है जो कि अच्छे सुगंध आती है, और काजू के टुकड़े लिए हैं, किशमिश के दाने लिए हमने कुछ, और बादाम है ये हमने जो कि अच्छे से बारीक कट कर लिया है, खसखस लिया है, और पिस्ते के दाने हमने अच्छे से काट लिए हैं, और घी लिए हैं हमने, और ये बनाने के लिए दूध लिए हमने। और अभी हम अब आप समझ लीजिए मेरी बात को। पहले तो एक बार, जैसा कि आपने बताया, ये इस डिश की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मूंग की दाल। मूंग की दाल, ड्राई फ्रूट, साथ में शक्कर, दूध, इसके साथ ये विधि बनाई जाती है। विंध्य की ये सबसे फेमस स्वीट डिश है। चलिए हम लोग ये जानते हैं ये किस तरीके से बनाई जाएगी। अभी हम आपको बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दाल को मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे। ये हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, इसमें हम इस दाल को डालेंगे। कटाले से हमने भिगा लिया, ये हमने दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जी, ये रिखमच हमारे बघेलखंड के जो राजा हैं पुष्पराज सिंह की देन है। ये दाल हमारी पूरी तरह से पिस गई है। अब हम इसे एक कढ़ाही में निकाल कर इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, लगभग
6 से 8 मिनट तक ये दाल हमारी पूरी पक जाएगी। और गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। और इसे हम और थोड़ा पतला करेंगे। चम्मच बनाने के लिए सबसे जरूरी टिप्स जो वो है, दाल को आपने पीसा, दाल काफी गाढ़ी थी, दाल को पतला करना इस तरीके से, बिल्कुल जैसे पानी का घोल होता है उससे थोड़ा सा इसको हल्का सा गाढ़ा करना है। गैस जला के आप इसको पकने के लिए रख देना, इसके आगे जो भी होगा वो और इसे हम चलाते जाएंगे, चलाना बंद नहीं करेंगे। और 8 से 10 मिनट में हमारा पूरी तरह से पक जाएगा। अभी हम आपको पका के दिखाने वाले हैं अच्छी तरह से। जैसे ही पक जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया आ जाएगी। तो हमने एक कंटेनर में तेल लगा के पहले से ग्रीस कर लिया और उसमें फैला के अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। हम इसको देखेंगे जब ये डबल तार का हो जाएगा, जब हम बंद कर देंगे गैस की फ्लेम के और गर्मा गर्म फैलाएंगे। अभी हमारा थोड़ा सा बाकी है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे ये बिल्कुल पतला घोल था, धीरे धीरे पककर गाढ़ा हो गया। अब इसको चेक करेंगे। और जब ये डबल तार ये देखें, आप देख रहे होंगे डबल तार की तरह जब दिखने लगेगा तो इसको पहले से एक बर्तन तैयार किया जाएगा, उसमें ग्रीस लगी होगी। ग्रीसिंग का सीधा सा मतलब है ऑयल या घी से उसको ग्रीस कर दिया जाएगा, जैसे वो उसमें चिपके ना उसमें इसको फैला दिया जाएगा। ये अब हमारा पक कर पूरा तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में तेल या घी लगा लिए हैं, हम पहले से ही लगा के तैयार किए हैं क्योंकि हमें वक्त नहीं मिलता इसको चलाते समय, क्योंकि हम चलाना बंद नहीं कर सकते। इसलिए अभी हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फैलाएँगे और नॉर्मल टेम्परेचर पर लगभग 10 मिनट तक रख देंगे। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। इसे अच्छे से फैलाएंगे एकदम पतले बराबर शेप में। और नॉर्मल टेम्परेचर पे लगभग 10 मिनट तक रख देंगे ठंडा होने के लिए। हम एक कढ़ाई में तेल चढ़ा लेंगे इसको फ्राई करने के लिए, जब तक वो हमारा ठंडा हो रहा है तेल हमारा गर्म होता रहेगा। विजय जी एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये है कि तेल की जगह क्या घी को भी इस्तेमाल किया जी? जी बिल्कुल, जैसा कि आप घी से फ्राई कर सकते हैं, हमने तो फिलहाल तेल से फ्राई कर रहे हैं। वैसे चाहिए तो इसको घी से भी आप तल सकते हैं, वो और अच्छा रहेगा जी। हमारी खीर लगभग पूरी तरह से बन गई है, रिकमज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश के पीसेस, ये डालेंगे और लगभग 2 से 2.5 मिनट तक और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसके बाद ये जो हमने पहले से ही फ्राई करके रख लिया है रिकमज के पीसेस, वो हम इसमें ऐड करेंगे और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और जब ठंडा होगा तब फिर सर्व करने के लिए हमारा ये रेडी हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। रिकमज पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अब आ गया है सबसे जरूरी स्वाद। मेरे साथ बाबू भाई भी हैं और प्रिंसिपल साहब। मैं आप दोनों से कहूँगा कि वो रेस्टोरेंट की तरफ चले जहाँ पर ये जिस उनका स्वागत कर रहे हैं। रेस्टोरेंट की तरफ हम लोग धीरे धीरे गए। कोरोना काल चल रहा है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमारा स्वागत हो रहा है। सबसे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, बैठने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। आइए जो आज रिकमच वो आज अब लोकल डिश के लिए लोकल टेस्टर के अलावा और कोई अच्छा हो ही नहीं सकता।
तो आज हमारे लिए जावेद भाई एज ए एक्सपोर्ट टेस्टर तैयार है। मैं उनसे FCI की तरफ से निवेदन करूंगा कि आज की जो हमारी प्रिपरेशन है वो आप टेस्ट करें। बिल्कुल सर, मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार। निश्चित रूप से आज हम लोग रिकमस खाएंगे। और सागर जी, मैं चाहूँगा कि आप मेरे पास आए। थैंक यू सर। अभी असली परीक्षा आपकी बची हुई है। जब हम लोग इसका टेस्ट करेंगे, आप पास हुए या फेल हुए, उसके बाद ही तय किया जाएगा। इसको हटा दो। बिल्कुल सागर जी की बनाई हुई डिश रिकमच, विंध की सबसे मशहूर स्वीट डिश, रीवा के बघेल राजाओं की देन, हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में। बस इंतजार खत, थोड़े ही देर में हम बताने वाले हैं ये डिश कैसे बनी है। पहले गरम किया, बाद में फ्रिज में ठंडा किया। यहां पर प्रिंसिपल साहब और बाबू भाई भी मौजूद हैं, उनकी भी प्लेट लगी हुई है। निश्चित रूप से आपकी डिश अच्छी नहीं बनी है, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि प्रिंसिपल साहब और बाबू भाई इस डिश को ना खाएं, मैं ही सारी डिश को खाऊं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। निश्चित रूप से आप बधाई के पास। मैं डर ही गया था सर कि ऐसा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।